हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में फेमस यूट्यूबर और खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले के आरके से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, के आरके को कौन नहीं जानता है, वो आए दिन अपने ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो अब के आरके ने द केरला स्टोरी का नाम लेकर द कश्मीरी फाइल्स पर निशाना साधा है, जिसके चलते वो सोशल मीडिया पर खूब छा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के रुझान कुछ ही देर में आने वाले हैं और फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ रखा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल होगी। चुनाव के परिणाम से पहले ही क्रिटिक और एक्टर कमाल राशिद खान ने भाजपा पर निशाना साधा है कि आरके ने कहा है कि द केरला स्टोरी का प्रमोशन भी भाजपा को जीत नहीं दिला सकता है। वहीं आपको बताते चले तो आरके ने ट्विटर पर एक के बाद एक तमाम ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, फिल्म द केरल स्टोरी भी भाजपा को कर्नाटक चुनाव नहीं जिता सकती है। उम्मीद है कि अब राजनेताओं को समझ आ जाएगा कि किसी फिल्म की सफलता उन्हें चुनाव जीतने में मदद नहीं कर सकती, लेकिन राजनेता द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसरों को उनकी फिल्में प्रमोट कर उन्हें 100 करोड़ कमाने में मदद कर सकते हैं। दूसरे ट्वीट में के आरके ने लिखा है, श्री राहुल गांधी ने 22 रैलियां की और उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 68% है और यह अन्य सभी राजनेताओं से अधिक है। मोदी जी ने भी 42 रैलियां की और उनकी जीत का स्ट्राइक रेट सिर्फ 40% है। इससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी इंडिया की जनता को ज्यादा पसंद है। वहीं हम आपको बताते चले तो के आरके ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट से ये भी साबित हो गया है कि बजरंग बली के नाम पर राजनेता शिक्षित लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही बजरंग दल पर रोक लगाने की अनाउंस की, यानी बजरंग दल को कर्नाटक में जल्द ही रोक दिया जाएगा और बाद में पूरे इंडिया में बैन लगाया जा सकता है। वहीं हम आपको बताते चले तो देशो प्रोतदास नाम के यूजर ने अक्षय कुमार की फिल्म का जिक्र करते हुए एग्जाम्पल दिया। उन्होंने लिखा, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जनता हिट कराती है, राजनेता नहीं। वहीं अगर ऐसा होता है तो पृथ्वीराज 100,000 करोड़ कमा चुकी होती। वैसे भी द केरला स्टोरी ने सिर्फ एक राज्य केरल में 50+ करोड़ नहीं कमाया, इसलिए फिल्म की तुलना सभी राज्यों के परिणाम से करें क्योंकि पूरा देश इसे हिट कराता है। फिलहाल तो आरके अपने इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और ऑडियंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो ऑडियंस यहाँ इनके इस ट्वीट से एक तरफ सहमत है तो दूसरी तरफ इन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आरके के इस ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।